अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया में कौन से डेस्टिनेशन में इन्वेस्ट करना है, तो इन दैट केस वन ऑफ द डेस्टिनेशन विच कनेक्ट्स तीन बड़े आईटी हब इंडिया के पुणे, बैंगलोर और हैदराबाद, इनको कनेक्ट करने वाली एक कॉमन सिटी है जिसका नाम है सोलापुर। सोलापुर में न्यू इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है, इसके आसपास इन्वेस्ट करना यह हमेशा ही फायदेमंद हो सकता है। तो एक्सेलेंट शेल्टर्स प्रेजेंट कर रहा है जेन गार्डन नियर न्यू कार्गो एयरपोर्ट प्लॉट। यहाँ पे बेसिकली हम ये प्रोजेक्ट जो ला रहे हैं, इसके अंदर इंडिया की 9th स्मार्ट सिटी है सोलापुर। अगर देखा जाए तो टोटल 100 स्मार्ट सिटी में 9th रैंक पे महाराष्ट्र में दो ही स्मार्ट सिटीज़ हैं जो पहले 20 में सिलेक्ट हुई है, उसमें से एक जो है वो है सोलापुर। यहाँ पे हम डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट ला रहे हैं, पुणे, हैदराबाद और ये साइड बैंगलोर, ये तीनों को कॉमन सेंट्रल पॉइंट पड़ता है सोलापुर। सोलापुर से पुणे, हैदराबाद ये नेशनल हाईवे जा रहा है जिसका टोटल 6 लेन एक्सपांशन चल रहा है। सेकेंडली यहाँ पे इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है, इसके वजह से इस एरिया में बहुत सारी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। अपोजिट टू इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट यहाँ पे MIDC है, जहाँ पे भारत फोर्ज NTPC का मेजर जॉइंट वेंचर है। NTPC के नेशनल हब यहाँ पे है, जिसके वजह से देर आर मेजर अमेंट फैसिलिटीज़ हमने दी हैं। इस तरह से ये टोटल 22 एकर्स का NA प्लॉटिंग का साइट है, जो कोई भी NRI इंडिविजुअल या कोई भी सिटी से इंडिविजुअल ले सकते हैं। ये साइट का एंट्री पॉइंट है, जहाँ से प्लॉट नंबर 1, 2, 3 स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे एमिनिटी स्पेस है, ओपन स्पेसेस यहाँ पे रखी हुई है। एंटायर लेआउट इज सैंक्शन बाय कलेक्टर नॉन एग्रीकल्चर, और ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बेसिकली। तो एंटायर लेआउट ये वास्तु कंप्लायंट है। इसमें अगर ये एरिया के बारे में बताया जाए, तो वेंकैया नायडू ने फर्स्ट 20 स्मार्ट सिटीज़ का लिस्ट डिक्लेयर किया था, जिसमें सोलापुर का अलॉटेड बजट 2939 करोड़ इतना है। इससे रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। चाइना टू पार्टिसिपेट इन टू ग्रोथ ऑफ सोलापुर, यहाँ पे बहुत सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो चाइना ने यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके सोलापुर एरिया में रखे हुए हैं। सोलापुर प्राइसेस हाइक होने का और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे इट इज़ वेरी क्लोज टू द एजुकेशनल हब लाइक MIT, SIT, भारतीय विद्यापीठ, ये सभी जितने कॉलेजेस हैं इनकी लास्ट 4 साल में खुद के कैंपसेस इस एरिया में स्टार्ट हुए हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि एक बार कोई भी चीज़ एजुकेशनल हब बन जाती है तो ऑटोमेटिकली रेट अप्रिशिएट होते हैं। ये सोलापुर एयरपोर्ट का बोर्ड है, ऑलरेडी आजू बाजू में इनका लैंड एक्विजिशन के चेक पोस्ट लगे हुए, दिस आर सिक्योरिटी चेक पोस्ट ऑफ एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट ऐसे ही बस डिक्लेयर हुआ ये नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लैंड एक्वायर कर चुके हैं। अगर आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, MADCIndia.org, और इस पे आप सोलापुर एयरपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। So basically the first phase of acquisition of 82 crore 80 lakh A for the farmers has been distributed. Second phase has been also dispersed. Abhi currently iska status is it's under environmental clearance. This is the highway I was talking about, Solapur Hyderabad National Highway. This is 6-lane highway which is getting constructed. This is a plant of Bharat Forge and NTPC, which is around 160 acres of the plant. Investment of around 350 crores, and this is public-private partnership. Development is happening.